नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल तटी में। मित्रों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह बहुत ही रोचक है। हम में से कई लोगों ने, आपने भी शायद जरूर कहीं पढ़ा या कहीं किसी न्यूज चैनल में भी देखा या सुना होगा कि कहीं गरा हुआ खजाना मिला है या किसी को अपने पूर्वजों का गरा धन प्राप्त हुआ हो। कहा जाता है कि पुराने जमाने में लोग अपने धन संपदा को सुरक्षित रखने के लिए उसे जमीन में गाड़ दिया करते थे और अलग अलग जादुई तरीके या तांत्रिक विधि से उसकी सुरक्षा कवच भी बनाते थे। कहा जाता है कि बहुत से गरे हुए धन की रक्षा तो आज भी बड़े बड़े नाग या सर्प करते हैं। तो मित्रों, हमारा आज का ये वीडियो इसी विषय पर है कि कैसे पहचाने उस स्थान को जहाँ गरा हुआ है धन। तो चलिए जानते हैं किस भूमि पर या किस स्थान पर गरा धन हो सकता है। कौतुक चिंतामणि, रावण संहिता और वराह संहिता के अनुसार इन इन स्थितियों में गरा हुआ धन होने की संभावना हो सकती है। पहली संभावना, जिस भूमि के आसपास जल का स्रोत नहीं होने पर भी उस भूमि में नमी दिखाई दे और साथ ही नजदीक किसी काले विषधारी नाग या सर्प के होने की निशानी दिखाई दे तो वहाँ पर जमीन में गरा धन हो सकता है। दूसरी संभावना, जिस जमीन की मिट्टी में कमल के फूल जैसी खुशबू आती है वहाँ पर धन संपदा गरा हो सकता है। तीसरी संभावना, ऐसी मान्यता है कि किसी स्थान पर बाज, कौवा, बगुला या अन्य बहुत सारे पक्षी ज्यादा संख्या में बैठते हैं, वहाँ भी धन संपदा होने की प्रबल संभावना होती है। चौथा, यदि किसी एक ही स्थान पर बहुत सारे वृक्ष हो लेकिन उनमें भी किसी एक ही जगह पर कौवे का जोड़ा 27 दिन लगातार या बाज और कबूतर एक साथ बैठते हो, उस स्थान पर निश्चित ही भूमि में गरा धन हो सकता है। पांचवा, जिस जगह पर नर मादा कौवा या नाग नागिन का जोड़ा संभोग करते हो वहां गरा धन हो सकता है। छठा, जहां बारिश होने पर पानी वाली जगह पर घास न उगती हो लेकिन गर्मी के मौसम में धूप में भी घास उगती हो वहाँ की भूमि में अंदर गरा धन होने की प्रबल संभावना होती है। सातवां, जहाँ विषधारी नाग, सांप या केचुए, कीड़े नहीं नेवले या गिरगिट ज्यादा निकलते हो या उनके पुराने बिल हो वहाँ भी गरा धन होने की संभावना होती है। आठवां, जहाँ पौधे प्राकृतिक गत से बहुत ऊंचे हो उस जमीन के अंदर भी गरी संपत्ति हो सकती है। तो मित्रों, ये कुछ ऐसे संकेत जो गरा धन होने की संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं। यदि आप इस बारे में और भी जानकारी चाहते हैं, हमारे अगले वीडियो में कुछ ऐसे उपाय और प्रयोग बताने जा रहे हैं जिससे कि यदि आपको संदेह है कि कहीं गरा हुआ धन है तो आप आसानी से उन प्रयोगों द्वारा उसका पता लगा सकते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।